तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएमटोट्स कैसे हम लोग निकालते हैं सर, ठीक है। तरीके हैं बहुत सारे, तरीकों से हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन रियलिटी है कि अगर इस तरीके का कोई आपको दे रखा हो कर्व और आपसे कहे कि इसके एसएमटोट्स आपको निकालने, तो एक बहुत आसान तरीका होता है, उस तरीके को ही हम आपको बताएंगे वन टू वन। और इस तरीके के कर्व भी ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आए हुए हैं सर, ठीक है, रिपीट हो के आते रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की। जैसे यहां पर अभी हमारे पास एक मॉडल पेपर रखा हुआ है, तो हम इसमें देख रहे थे बैठे कि जो जो चीजें लाइन से दे रखी हैं, इस पूरे मॉडल पेपर में सिर्फ एक यही वाला न्यूमेरिकल मेरे भाई दे रखा है, मतलब यही वाला है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, शायद ना ही दिखाएं प्रकाशन, ये देखिए लिखा हुआ फाइंड द एसएमटोट्स ऑफ, ये पूरा कर्व दे रखा है, एक ही दे रखा है इसमें लॉन्ग में वो भी। तो हमने जब एक ही दे रखा, तो हम यही वाला आपको हल कराए दे रहे हैं, शायद आपके काम में आ जाए मेरे भाई, ठीक है। देखो भाई क्या करना है, एसएमटोट्स कैसे निकलता है, क्या होता, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, आपने क्वेश्चन कक्षा 9 से पढ़ी हुई है, जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे एम एक्स प्लस सी हम लोग रख देंगे। देखो भाई कैसे, यहां x क्यूब है प्लस का 2x स्क्वायर y है, तो y की जगह पे mx प्लस c रख दिया, माइनस का x है y स्क्वायर है तो फिर mx प्लस c का स्क्वायर रख दिया, माइनस का 2 है y की जगह पे mx प्लस c की होल पावर 3 रख दी, प्लस का x है mx प्लस c रख दिया, माइनस का y स्क्वायर है यानी mx प्लस c का होल स्क्वायर रख दिया, माइनस 1 है तो माइनस 1 रख दिया, बराबर में 0 रख दिया सर, ठीक है। अब करना क्या, इसे सॉल्व करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले y बराबर mx प्लस c रखना है, आखिरी में हम लोगों को दोनों वैल्यू निकालनी है, c और m का मान निकालना है। c और m का मान निकाल के अगर हम लोग इस y बराबर mx प्लस c क्वेश्चन में रख देंगे, वही एसएमटोट्स कहलाएंगे, बात खत्म, इतना ही है। क्या करेंगे भाई, ऐसे ही लिखा हुआ है, अच्छी बात है, यहां पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या होता है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में इतना तो पता ही होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए होता है, तो इसका होल क्यूब हमने खोल दिया सर, ठीक है, इसे ऐसे लिखा रख दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, सारे स्क्वायर खोल दिए। अब करोगे क्या, जितने जहां जहां पे एक्स क्यूब है, ठीक है, जैसे देखो यहां पे x क्यूब के संग में कुछ नहीं है, यहां से कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, जब ये x स्क्वायर अंदर जाएगा, थोड़ा समझाते हैं आपको सर, देखिए जब ये x स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 x की पावर 3 और m हो जाएगा, यानी जब यहां से x क्यूब आप निकालोगे तो 2m बचेगा मेरे भाई, तो यहां पे 2m बच गया। आगे चलोगे, ये x अंदर जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, यानी यहां पे m स्क्वायर बचेगा, तो m स्क्वायर हो गया। सरल भाषा में इस पूरी इक्वेशन से जहां जहां पे x की पावर 3 है वो हमने कॉमन लेके एक ब्रैकेट में लिख लिया, जहां जहां पे x स्क्वायर है एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो बचा हुआ इंतजाम है, बचा कुछ है ही नहीं, x क्यूब और x स्क्वायर दो ही हैं, बट बराबर में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को m और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास चल रहा है 1 प्लस 2m माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m की पावर 3, इसे रख देंगे 0। कैसे रखेंगे जरा देखो, 0 रख दिया हमने इसे, जब 0 रखा हमने तो देखिए, अब ये माइनस में चल रहा था, जिसे हम लोग सरल भाषा में कहें तृतीय घात समीकरण, तो क्या करोगे, ये माइनस में चल रहा था तो माइनस कॉमन लिया, और इसे क्या किया बताओ, 2m की पावर 3, ठीक है, इसे ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा वाला है, इसे भी हमने क्या किया बताओ, 2c माइनस का 2m, c माइनस का 6mc स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर बराबर 0, यानी ये जो x क्यूब और x स्क्वायर के साथ में दोनों इक्वेशनें चल रही थी, इन दोनों को हमने 0 रख दिया, ठीक। 0 रखने के बाद यहां से 2c ऐसे चला, जो भी कॉमन मिल रहा था वो कॉमन लिख लिया, और इसे हल करके हमने c का मान निकाल लिया। जरा समझिएगा क्या किया हमने, सबसे पहले एक अपने पास पूरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में y बराबर mx प्लस c रख दिया हमने, ठीक, y बराबर mx प्लस c रख गया, x क्यूब कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x क्यूब के साथ जितना आया वो सब 0 रख दिया, x स्क्वायर के साथ जितना आया वो सब 0 रख दिया, यहां से कॉमन लिया 2c, 2c कॉमन लेने के बाद इस वाली पावर को इसे उधर भेजा मेरे भाई, उधर भेजोगे तो m स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये जो गुणे में 2c के साथ चल रहा है ये बटे में जाएगा, तो यहां रह गया c, 2 बटे में चला गया और ये भी बटे में चला गया, c का मान अपने पास आ गया, ठीक भाई। इतना अगर आपने कर लिया, समझ लीजिए आपका सवाल हो गया। अब करेंगे क्या, देखो
हमने लिखा पहली जो इक्वेशन है अपने पास 1 प्लस 2m माइनस का m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब बराबर 0। अभी हमने क्या कहा तृतीय समीकरण तृतीय घात समीकरण बनानी है, तो यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेंगे तो सारे माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, तो 2m क्यूब पहले आ गया, फिर पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट, ऐसे करके हो गया। ठीक, यानी अपने पास दो इक्वेशनें हमेशा आएंगी इस तरीके के क्रम में, जो x का स्क्वायर वाली होगी यहां से हम लोग c की वैल्यू निकाल लिया करेंगे, और जो x क्यूब वाली होगी जिसमें m चल रहा होगा, देखो दो इक्वेशन होंगी, एक में सिर्फ m होगा, एक में m और c दोनों चल रहा होगा, जिसमें m और c दोनों चल रहा होगा उसमें हम लोग c की मदद, c का मतलब m की मदद से c का मान निकाल लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन से c का मान निकाल लिया जिसमें सिर्फ m चल रहा, ये m की फॉर्म में तृतीय घात इक्वेशन है मेरे भाई, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। भाई जाहिर सी बात है तृतीय घात इक्वेशन है तो इसके तीन रूट हम लोगों को मिलेंगे, तो हम लोगों को करना क्या है, अब पहला तरीका तो यह होता है कि आप चेक करो बैठ के, दूसरा तरीका मान रख रख के चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पे रख दें m बराबर 1 तो कितना आएगा, 2 एक कम 2 प्लस का 2 यहां आएगा, यहां पे आएगा प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा। m का वो मान रखने पर जिसमें ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए वो इसका रूट होगा मेरे भाई, ठीक, जिसे मूल कहते हैं सर, ठीक है, या हाँ ठीक यही कह लो और क्या ही कहोगे सर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग m का मान अगर 1 रख दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा, m बराबर 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, m बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी 1 को अगर हम इधर ले आए इसका मतलब m माइनस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक भाई, अब इसका जब एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एक बार क्या करो, यहां पे प्लस 1 रखा है, एक बार माइनस 1 रख के देख लो, माइनस 1 रख के देखेंगे भाई, अगर फिर से 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, 0 रख के देख लो, अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, तो यानी बल्कि 0 को 1/2 रख के देख लो, 0 क्यों रख के देखो यार, 1/2 रख के देख लो, ठीक है सर, इस तरीके की चीजें रख रख के देखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई एक वैल्यू चेक कर लो, जैसे हमने चेक कर ली m माइनस 1 और उससे इसे भाग दे दो, जब भाग दोगे तो क्या होएगा, इसकी द्वितीय घात की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। अगर भाग नहीं देना था तो हमने भाग भी देके दिखा दिया है, m माइनस 1 को पहले कितनी बार, यहां पर 2m क्यूब चल रहा है, भाग नहीं देना था तो सीखो, यहां m की एक पावर है, यहां 2m की पावर 3 है, यानी अगर हम इसकी गुणा 2m स्क्वायर से कर दें तो यहां 2m की पावर 3 बन जाएगी, तो m की हमने किससे भाग दिया, 2m स्क्वायर से, तो बन गया यहां गुणा हुई तो 2m की पावर 3 हो गया, 1 से हुई तो 2m स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देते हैं बेसिकली, ठीक है, घटाया, जब घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, घट गया, यहां आया 3m स्क्वायर, अगला टर्म उतार लेते हैं माइनस का 2m, अब यहां पे 3m स्क्वायर है, यहां पे m है, यानी 3m से गुणा कर दें तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो गया, 1 से गुणा हुई 3m हो गया, आखिरी में m माइनस 1 बचा, एक बार चला जाएगा, एक बार चला यानी ये तो कट ही गया क्योंकि वो उसका गुणनखंड है यार, सीधी सी बात है, फैक्टर है, लेकिन ये जो वैल्यू अपने पास आई 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 ये एक द्वितीय घात समीकरण है, इससे हम लोग दो इसके फैक्टर और निकाल लेंगे। कैसे, देखो बेसिकली वही तरीका होता है, इन दोनों की गुणा करते हैं, 2 एकम 2 ऐसे जोड़ते हैं कि भैया या बीच वाला मान आ जाए, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा, तो 2m स्क्वायर, 3m को लिख दिया 2m प्लस m और 1 लिख दिया, यहां से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद m का एक मान आ गया माइनस 1, m का एक मान आ गया माइनस 1/2, यानी m के तीनों मान अपने पास आ गए, बस C में मान रखो और एसिम्प्टोट निकालो। कैसे, जब m का मान 1 था इसमें मान रख दो, ये इक्वेशन ही तो C हमने निकाली थी पहली वाली इक्वेशन से जो x स्क्वायर के संग में गुणा में थी, तो यहां रख दो मान, रखोगे तो C का मान 0 हो जाएगा, 0 हो गया, अपने पास क्या फार्मूला होता है, y बराबर mx प्लस C, y ऐसे ही आ गया, x ऐसे आ गया, m की जगह पे क्या आ गया 1, C क्या हो गया 0, तो यानी y बराबर x पहला एसिम्प्टोट आ गया सर। ठीक है, दूसरे में m का मान माइनस 1 इसमें रख दो इक्वेशन में, इसी में m की जगह माइनस 1 रख के हल करेंगे तो c का मान भी माइनस 1 आ जाएगा, रख दो y बराबर mx, mx मतलब m माइनस 1 है तो माइनस x, माइनस में c भी माइनस 1 तो माइनस का 1 हो गया सर। ठीक है, दूसरा एसिम्प्टोट आ गया, तीसरा क्या आएगा, m का मान माइनस 1/2 रख दो इसी इक्वेशन में, रख के देख लो, ले यार रख दे रहा है, m का मान माइनस का 1/2 रख दो, कैसे रखोगे बताओ, माइनस के 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 बटे में 2 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1/2 यानी प्लस हो जाएगा, यहां भी आएगा माइनस का 3 और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करके रख दो, हल कर दो मेरे भाई, इसका मान भी निकल के आ जाएगा, माइनस का 1/2 जब आप रखोगे तो c का मान आ जाएगा प्लस के 1/2, रख दो y बराबर mx प्लस c है, y ऐसे रहेगा, m की जगह पर रख देंगे माइनस का 1/2, अगर नीचे ना दिखाई दे रहा हो, फिलहाल तो दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो बता देते हैं, y बराबर क्या है
एम एक्स प्लस सी है, तो बाई ऐसे रहेगा, m का मान कितना है देखो माइनस का वन अपॉइंट टू, तीसरा एसिम्प्टोट जो निकालना है, x ऐसे रखेंगे और c का मान वन अपॉइंट, तो प्लस का वन अपॉइंट टू आ गया। इसे चाहो तो थोड़ा सा हल कर सकते हो, देखो नीचे 2 है इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 बाई बराबर माइनस का x प्लस वन, ऐसे छोड़ दो, चाहो तो इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा 2 बाई प्लस x बराबर वन हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये तीनों एसिम्प्टोट्स हमने निकाल लिए, यानी इस तरीके की जब भी कोई क्वेश्चन आपको दे रखी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बताओ सबसे पहले क्या करना है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी रख देना है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को अलग अलग कॉमन ले लेना है, दोनों इक्वेशनों को जीरो रख देना है, एक से सी की वैल्यू निकाल लेनी, उससे जिसमें सी और एम दोनों चल रहे हैं सी का मान निकाल लेना, इक्वेशन बना के छोड़ देना, दूसरे वाले का क्या करना जो तृतीय घात है उसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, एक फैक्टर मान रख के देख लो जो जीरो हो जाए वही फैक्टर होगा, मान रख के देख लेना है, नहीं कर पा रहे फिलहाल तो तीनों ही हम लोग निकाल सकते थे गैस कर करके, वन रख लिया माइनस वन रख लिया टू रख लिया वन अपॉइंट टू रख लिया, निकल आएगा, नहीं निकल रहा है ऐसे भाग करके देख सकते हो फैक्टर्स निकल आएंगे, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, m के तीनों मान आ गए समझ लो काम हो गया, जैसे m के मान आए c में रख रख के c के मान निकाल लो, y बराबर mx plus c में रख दो, एसिम्प्टोट्स आपके निकल आएंगे, बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत से पढ़िए मेरे भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा सकते हैं अच्छे अच्छे सवाल लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह हमने आपके लिए बना दी हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकी PDF आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगी टेलीग्राम BDGDN BSC पे, एप्लीकेशन हमारी प्ले स्टोर पे है डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा तो कॉल सपोर्ट है मेरे भाई, नंबर बिल्कुल आसान है इसे याद कर लो, आने वाले टाइम में ये ब्लाइंड नंबर बनने वाला, किसी को कोई भी समस्या होगी वो इसी पे कॉल करेगा 9044900263। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।